सो so, हम लोगों ने लास्ट मड्यूल के अंदर एक्सपोर्ट इनस्टेबिलिटी के कॉज एंड इफेक्ट्स देखे अब एक स्टडी के रेफरेंस से ये देखते हैं कि किस तरीके से एक्सपोर्ट इनस्टेबिलिटी को मैर किया गया और वंस अगेन उसके इफेक्ट्स क्या थे डेवलपमेंट के ऊपर तो इस केस के अंदर अगर हम देखें मैकबीन ने एस्टिमेट किया था फॉर द पीरियड ऑफ 1946 फोटी सिक्स टू नाइनटीन फिफ्टी एट आलमोस्ट ट्वेल्व ईयर्स के डेटा को लेके एक वर्ल्ड लेवल पे स्टडी थी कुछ आ, कुछ कंट्रीज की सिलेक्शन थी डिवेलपिंग कंट्रीज भी थे और आपके पास डेवलप कंट्रीज भी थे तो उन्होंने एक इंडेक्स डेवलप किया था विच इज़ नोन एज आई आई ई इंडेक्स ऑफ इंस्टेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स अर्निंग एक्सपोर्ट्स अर्निंग की इंस्टेबिलिटी को किस तरीके से डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ मैयर किया जा सकता है uh, उस उनकी जो स्टडी के रिज़ल्ट थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे आई ई वॉज ट्वेंटी थ्री फॉर अ ग्रुप ऑफ फोटी फाइव डेवलपिंग कंट्रीज एंड आई ई का नंबर जो था वो एटीन था फॉर एटीन डिवेलप नेशंस तो मैगबीन uh, ने जो एस्टिमेट किया था ये आई ई आई आई ई उसका इंडेक्स उसने बनाया था जीरो से लेके हंड्रेड तक तो ज़ीरो के करीब जितना है आप इसका मतलब है कि उतनी स्टेबिलिटी है और जितना आप ज़ीरो से दूर होते चले जा रहे हैं हंड्रेड की तरफ जाते चले जा रहे हैं तो इसका मतलब है इनस्टेबिलिटी है अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे उनकी जो एक्सपोर्ट इंस्टेबिलिटी का नंबर था दैट वाज एटीन और डेवलपिंग कंट्रीज का जो एक्सपोर्ट का इंडेक्स था दैट वॉज ट्वेंटी अब Uh, क्योंकि ये एवरेज की फॉर्म में होगा क्लब किया हुआ है कंट्रीज़ को तो हो सकता है किसी एक डेवलपिंग कंट्रीज़ का ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन अदरवाइज़ इन जनरल हम ये बात करें कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो एक्सपोर्ट uh, इंस्टेबिलिटी थी वो ज़्यादा नज़र आ रही थी डेवलप के नस्बत यही उसके स्टडी के से अब ये आई ने मैयर कैसे किया इसने बेसिकली क्या किया कि एवरेज परसेंटेज डेविएशनली ली deviation का मतलब है डिफरेंसेस आपके पास डॉलर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स फ्रॉम अ फाइव ईयर मूविंग एवरेज फाइव ईयर की मूविंग एवरेज ली मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है फाइव ईयर्स की सपोज़ अगर आपके पास टेन वैल्यूज़ हैं और आप पहली पाँच का सपोज़ मीन लेते हैं फिर पहली वैल्यू छोड़ देते हैं उससे नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करके पाँच ईयर्स का मीन ले लेते हैं उससे डेविएशन निकाल के उसने आई आई ई एक इंडेक्स डेवलप किया और अभी तक जो हमें मतलब आपके लिए लर्निंग के लिए, लिए ज़रूरी है वो इसका नंबर याद यानी कि ज़ीरो से हंड्रेड के दरमियान इंडेक्स था फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ इट वाज क्वाइट हायर इन स्टडीज और इसकी मैं फॉर्मूले की तरफ एसएच नहीं जा रहा आ, क्योंकि वो डोमेन के अंदर एसच इम्पॉर्टेंट नहीं है सो एक्सपोर्ट इंस्टेबिलिटी की जो उसकी रिज़ल्ट से वो बड़े इंटरेस्टिंग थे जो उसने आइडिया दिया वो ये दिया कि बेसिकली uh, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन वो जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रही हैं वो एक्चुअली मसला बन रही हैं उसके अकॉर्डिंग अब प्रायर टू दिस स्टडीज़ आपके पास मोस्टली ये कहा जाता था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का इशू ये है कि एक तो वो लिमिटेड कॉमोडिटीज़ एक्सपोर्ट करती हैं और वो लिमिटेड कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती हैं अब अब आप याद करें कि हम एक कॉन्सेप्ट की बात की थी गैट की जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इन 1948 एंड जो अभी डब्ल्यू की फॉर्म में आपको नज़र आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म के अंदर तो वहाँ पे ये बात हो रही थी कि जितना आप कंट्रीज़ के साथ ओपन होते चले जाएंगे जितना ट्रेड फ्री करेंगे आप उतना ही आपको फ़ायदा होता चला जाएगा तो ये इस स्टडी थोड़ा सा उससे कॉन्ट्राडिक करती है वो ये कहती है कि ये इट इज़ नॉट द रीज़न कि आप ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ ट्रेड नहीं कर रहे ये रीज़न नहीं है कुछ कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये भी रीज़न नहीं है रीज़न ये है कि आप एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर तो आप कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं फिर तो आप मतलब आप डेवलप हों डेवलपिंग हों आपको फ़ायदा होगा आपकी एक्सपोर्ट्स स्टेबल होंगी अगर आप सपोज़ राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसका डायरेक्टली सीजन uh, से बड़ा इफेक्ट है या आपका इन्वामेंट बड़ा उसको इफेक्ट करता है तो आपकी एक्सपोर्ट्स में इंस्टेबिलिटी रहेगी हमेशा तो दैट वाज इंटरेस्टिंग जो उसकी स्टडी की फाइंडिंग्स थी इस स्टडी इस ने एक नई डायनामिक्स दी थी, थी कि ट्रेड के जो एस्पेक्ट्स हैं जो हम सिर्फ लिमिटेड कमोडिटीज और लिमिटेड कंट्रीज की तरफ हमारा फोकस था रिसर्चर्स का प्राइमरीली उसको थोड़ा सा डिवर्ट किया गया देन वंस अगेन उसने ये कहा कि आपके पास जो एक्सपोर्ट की इंस्टेबिलिटी है वो कभी भी आपकी इनकम्स को अफेक्ट नहीं करती uh, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को उस तरह अफेक्ट नहीं करती या एज आ जो हमने uh, पिछले मेड्यूल्स के अंदर डिस्कस किया तो उसने ये कहा कि आपके पास जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं ये एक्सपोर्ट इंस्टेबिलिटी की वजह से जो आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग में इंस्टेबिलिटी है वो ना तो एसएच इनकम्स को इफेक्ट कर रही होती है ना वो एसएच इन्वेस्टमेंट ना तो एसएच सेविंग को इफेक्ट कर रही होती है उसकी जो रीज़न उसने प्राइम बताई थी वो ये बताई थी कि एक्सपोर्ट अर्निंग स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे थे आप कंट्रीज़ क्या करती थी के एक्सपोर्ट को स्टेबलाइज़ करने के लिए इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट करती थी जिसके थ्रू आपको अपनी चीज़ की प्राइस हाई रखने के लिए आप डिफरेंट तरह के एग्रीमेंट्स में आते थे जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ या डेवलपमेंट कम होती थी इन एग्रीमेंट्स को आ, मैं नेक्स्ट मीडियोल के अंदर इन डिटेल डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से जो कंट्रीज़ जो हैं वो डिफ़रेंट एग्रीमेंट करती हैं अपनी एक्सपोर्ट को सस्टेनेबल बनाने के लिए या अपनी एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट अर्निंग को मेंटेन करने के लिए ताकि उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो